जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे पर संजानी के बिल्कुल करीब। तकरीबन 3 से 4 बजे के टाइम काफिला निकला सवाबी से, वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर क़यादत निकला। काफिला अभी भी मोटरवे पर रवा दवा है, तवील कतारें हैं। तकरीबन एक सर जो है वो संजानी जलसगा पहुँच चुका है, जबकि दूसरा सिरा जो है वो अभी भी मोटरवे पर है। रश है, जगह जगह पर ट्रैफिक जैम हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग इस जलसे में शिरकत के लिए संजानी की तरफ रवा दवा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पहले ये इत्तलात थी कि बार बार रास्ता बंद किया जाएगा, लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल पेश नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की जो सरहदी, वहाँ पर भी कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी और संजानी तक कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। यहाँ से कारकुनों की तवील कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की भी कारकुनों की भी, और वो संजानी जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि खिताब करना था सवाबी में, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में खिताब भी नहीं किया और बराह रास्त वो संजानी के लिए निकले। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो संजानी पहुँच चुके हैं, जलसगा के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जलसा भी शुरू होगा। इसीलिए लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपने आप को जलसगा पहुँचाए, और यहाँ से लोग जो कतारें जा रही हैं उसमें तेज़ी आई है और लोग संजानी पहुंचने के लिए तेज़ी दिखा रहे हैं। जी